वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 159.75 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है, मीन्स फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग कर रहा है, नजर आ चुका था तकरीबन देख से जो कि 0.63% अप था। तो बहुत सी गिरावट देखने को मिली थी लास्ट कई दिनों में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे नजर डालने के पहले लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे न्यूज भी चेक करेंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए करंटली कोई न्यूज नहीं दिखाई दे रही लेटेस्ट। तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू की नाम बात की जाए तो करंट जो प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाहर है। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक, तो डिविडेंड अच्छा ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। वहाँ पे नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रमोट होल्डिंग में ज्यादा शेयर्स प्लेस नहीं है। तो बेसिक के साथ प्रोसीजर पे नजर डाली जाए तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स पे नजर डाली जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है और ग्रोथ स्कोर पे नजर डाली जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देख सकते हो कि तकरीबन यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का लास्ट 1 मंथ का चार्ट भी देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 16% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ के ऊपर है और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का ये स्टॉक है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए, पी रेशियो भी देखा जाए कि मैट्रिक्स में तो पी रेशियो अभी भी हाई है। टोटल जो लोन है कंपनी के ऊपर 11 करोड़ का सिर्फ लोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिविडेंड की बात किया जाए तो 1.25% का डिविडेंड यील्ड है। नेट इनकम 309 करोड़ का है और टोटल जो रेवेन्यू है 491 करोड़ का है। टोटल एसेट्स 981 करोड़ के है। फॉरकास्ट एंड रेटिंग की भी बात की जाए तो 33% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि यह स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए। प्राइस अपसाइड देख सकते हो कि प्राइस 20% यहाँ से ये जो प्राइस चालू है उस प्राइस से अपसाइड जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी के डिटेल जैसे इस साल में देख सकते हो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस साल में अच्छा खासा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।